देखिए कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में आज हम बताएं कैंडलस्टिक्स नहीं है वो एक तरह से आप पोजीशन समझ सकते हो कि किस पोजीशन पर वो कैंडल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं कोई भी चार्ट अगर हम ओपन करें ओके ठीक है सबसे पहले ड्राइंग पर कुछ समझेंगे ये एक तरह से इंपॉर्टेंट कैंडल होती है हमारी कैंडल्स इंपॉर्टेंस लाइक आप उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग समझोगे ऑफ कैंडल ये दो तरह से होती है एक तो हम हाइएस्ट पर ले लेते हैं और एक तो लो पर लेते हैं इन दोनों ही कैंडल्स का नेक्स्ट डे हमें इंपॉर्टेंस देखना होता है कि किस तरह का होता है इसका क्या यूज है ट्रेड के दौरान इसका कैसे क्या यूज किया जाता है इसके ऊपर डिस्कस मत करेंगे नहीं और ना ही इसके ऊपर कुछ सोचेगा एक तरह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जैसे लो लो से अप साइड की तरफ हमारी जाती है कुछ इस तरह से फिर से अपने स्विंग्स को ब्रेक करते हुए अपसाइड यहां की हमारी मार्केट क्लोज हो गई ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया अब देखना हमको ये है कि मेरी जो सेकंड लास्ट कैंडल बनी है डाउन से अप साइड की तरफ अगर मार्केट गई है तो जो सबसे लास्ट कैंडल हमारी बनी है ये किस एक कैंडल को ब्रेक करते हुए बनी है जैसे कि ये वाली कैंडल है हम इसको सेकंड लास्ट कैंडल मानते हैं वैसे तो लास्ट कैंडल ये है हमारी जिसने की क्लोजिंग दी है बट जहां पर मार्केट ने हाई लगाया सिर्फ क्लोजिंग से ही नहीं लेंगे एक इस तरह से हम कंसिडर करते हुए चलते हैं कि यहाँ पर मार्केट कहीं हमारी क्लोज हुई है अगर क्लोज नहीं भी हुई होती और यहाँ से प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर गया होता ऐसे करते हुए फिर भी हम इसी कैंडल को लेकर के चलते क्योंकि जो हाई लगा वो मेरा इसी कैंडल के थ्रू लगा है और जिस कैंडल ने हाई लगाया है वो किस एक कैंडल को ब्रेक करके हमारी सस्टेन कर रही है किस एक कैंडल को ब्रेक करते हुए आई है ये पहली चीज दूसरा वो कैंडल जिसने पूरे इस रिजेक्ट्री लाइन के दौरान पूरे इस आपके ट्रेंड के दौरान किस एक कैंडल ने लो लगाया क्योंकि एक कैंडल आपको हमेशा हर चार्ट में दिखेगी जो कि प्रीवियस डे में लो लगाएगी और प्रीवियस डे में हाई लगाएगी तो उस प्रीवियस कैंडल में जिस कैंडल ने लो लगाया है आपका उसका लो किस कैंडल ने ब्रेक किया है एक तो ये वाली कैंडल हो गई और दूसरा जो कैंडल हमारी लो लगा रही उस लो लगाई हुई कैंडल को किस कैंडल ने ब्रेक किया है ये दो कैंडल मेरी एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है देखिए सबसे पहली एस्ट हाई कैंडल ठीक है दूसरा आपकी लोवेस्ट लो कैंडल इन दो कैंडल्स को हमें देखना है किसी भी चार्ट के ऊपर है ना आई थिंक समझ में आया होगा आपको सिर्फ दो से देखते हैं अभी देखिए किसी भी चार्ट पर चार्ट चलते हैं कोई भी एक ओपन करेंगे, जैसे मारुति है मारुति को आज दिया था हमने ट्रेड करने के लिए शॉर्ट की तरफ, नहीं क्या मतलब थोड़ी देर तो वो गिरा काफी अच्छा मोमेंट आया फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया फिलहाल यहां पर देखिए प्रीवियस डे दे में हुआ क्या है या इसके पहले भी क्या हुआ है यहां पर देखिए एक लाइन हम लोग ले करके चलते हैं सभी लाइन को हम कम डिलीट कर देते हैं और वॉल्यूम को इसमें वॉल्यूम का जो रोल होगा आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम्स के क्या रोल पे होते हैं तो एक तो ये लो हो गया हमारा और एक हाई हो गया पूरा है। जिस कैंडल ने लो लगाया और जिस कैंडल ने हाई लगाया वहां तक एक हम अपना एक आ, मार्किंग करेंगे अब यहां पर लो किस कैंडल कौन सी कैंडल हमारी लगा रही है ये वाली कैंडल ये क्या हुआ लो कौन सी कैंडल लगा रही है मेरी ये वाली कैंडल हाई कौन सी कैंडल लगा रही है ये वाली कैंडल किस कैंडल का हाई यहां पर ब्रेक करके ये वाली कैंडल फॉर्म हुई है और जिस कैंडल ने लो लगाया है सबसे पहला हाई इस कैंडल का किसने ब्रेक किया है वो कैंडल हमारी हम इन दोनों कैंडल्स को लेकर के चलेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको डिलीट करते हैं यहां पर हाई कौन सी कैंडल लगा रही है मेरी ये वाली कैंडल और ये कैंडल किस एक कैंडल को ब्रेक कर रही है? मतलब किस कैंडल को ब्रेक ब्रेक करके ये वाली हमारी कैंडल फॉर्म हुई है तो देखिए इसको ऐसे समझिए एक तो ये वाली कैंडल हमारी बन गई दूसरा अगर इसके ऊपर हम चलते चले आएंगे तो तीन बजकर पांच मिनट की कैंडल वो कौन सी तीन बजकर पांच मिनट की कैंडल है जिसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग की है है ना? मतलब तीन बजकर पांच मिनट के बाद में ये कैंडल बनी है हमारी जिसने हाई लगाया है और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दी और अगर हम ऐसे देकर के चलेंगे तब तो बट यहां पर इस एक कैंडल तीन बजकर पंद्रह मिनट की कैंडल के थ्रू हमें पहुंचना कहां पर है इस वाली कैंडल पर तीन बजकर पांच मिनट की कैंडल पर हम इसका लो और हाई लेकर के चलते हैं है ना लो और आपका हाई एक तो ये बन गया क्लियर अब यहां पर लो कौन सी कैंडल लगा रही है मेरी 915 के की कैंडल अब 915 की कैंडल लो लगा रही है और इस कैंडल के ऊपर किस कैंडल है सबसे पहली कौन सी कैंडल जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग की है वो कैंडल मेरी ये वाली कैंडल है ये दो इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारी जिसको कि हम मार्क करते हुए चलते हैं आगे की तरफ आने वाले सेशंस में आपको ये सारी चीज समझ आएंगी कि इनका यूज कैसे करना होता है अगर हमें ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना है ट्रेड एग्जीक्यूशन के दौरान इनका क्या यूज होने वाला है ओके हाई के लिए किसी और उस पर चलते हैं एक दिन पहले ही देख लेते हैं लो से एक ये हाई, हाई यहां पर लगा और लो मेरा यहां पर लगा के ऊपर चली गई है लो हाई और लो अगर हाई वाला देखना है हम लोगों को चलिए ऐसे देखिए उसको यहां पर हाई कौन सी कैंडल लगा रही है मेरी अगर इस पॉइंट इस को हम लो मानते हैं तो ये वाली कैंडल हालांकि जस्ट इसको समझते हैं हमने एक लो ले लिया और मेरी ये बताइए अगर हम देख करके चलते नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं और एक हाई लगाया है हमारी दो बजकर पैंतालीस मिनट ने हाई लगाया है तो किस कैंडल को ब्रेक करके प्राइस ने यहां पर हाई लगाया हमें उस एक कैंडल को मार्क करना होगा अब यहां पर देखिए क्लोजिंग वाइज अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर जो क्लोजिंग हुई है चालीस मिनट की कैंडल के ऊपर हमारी इस वाली कैंडल ने क्लोज किया है इसका हाई क्या है मेरा बारह चालीस के कैंडल का एट फोर सेवन थ्री और इसका क्लोज प्राइस क्या है एट फोर एट फोर सेवन थ्री पॉइंट टू फाइव मतलब बारह चालीस के बाद में इस कैंडल ने हमारा क्लोज कर दिया नेक्स्ट सेशन के लिए बारह चालीस की ये कैंडल हम अपनी एक इंपॉर्टेंट कैंडल मार्केट मानते हुए चलेंगे एक काफी अच्छा आपको यहां से सपोर्ट मिल जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए डे टाइम फ्रेम की जो मार्किंग्स वगैरह होती हैं या फिर मेजर टाइम फ्रेम भी जो होंगे आपके मार्क करने के लिए जो आप सब डिस्कस करेंगे लेकिन उसके अंदर छोटा छुट छोटा करके एक जो इफेक्ट डालते हैं ना जो कुछ एक कैंडल्स की इंपॉर्टेंस होती है सिग्निफिकेशंस होते हैं कोई और एक छाट लेते हैं अब यहां से देखिए इसको ब्रिटानिया है प्राइस मेरा ऊपर से नीचे की तरफ गिरा लो किसने लगाया इस कैंडल ने नहीं यहाँ पर लो नहीं लगा लो मेरा यहां पर लगा है मिनट का इस कैंडल ने लो लगाया है अब हमें ये देखना है कि मेरी जो तीन बजे की कैंडल है कौन सी कैंडल को ब्रेक करके इसने अपना लो लगाया है तो हमें ये देखना हो कि कौन सी कैंडल है जिसके नीचे इसने क्लोजिंग की है तो हमको जो समझ में आ रहा है कि प्राइस ऊपर 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 से नीचे की तरफ आया और ये वाली कैंडल ये देख रहे हैं मतलब अगर हम इस कैंडल का लो मान करके चलते हैं तीन बजकर पचपन मिनट की कैंडल को तो देखिए इसके नीचे जो सबसे पहला हमारा लो लगा है वो दो बजकर चालीस मिनट का लगा है और दो बजकर चालीस मिनट की कैंडल के, के, के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है देख पा रहे हैं अगर हम देखें तो तीन बजे की ये जो कैंडल है जिसने लो लगाया है उसने किस कैंडल की क्लोज के, किस कैंडल के नीचे क्लोजिंग की है तो मेरी तीन बजकर पचपन पचपन मिनट की कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग दी है है ना मेरे लिए भी जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस एक कैंडल का लो पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हाई ये एरिया हम लेकर के चलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के लिए अगर हमको देखना तो सेम ये वाले जो आपके पॉइंट्स होंगे ना हम इनको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मानेंगे ये जस्ट ऐसे नहीं है कि एक बार मैंने आपको बता दिया और समझ में आ जाएगा बहुत सारी आपको इसके ऊपर मार्किंग्स करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जैसे कि अच्छा ठीक है अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एक काम करिए आप अपना माइक कन्वर्ट कीजिए पहले तो माइक कन्वर्ट कीजिए हेलो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है हेलो सर, सर आवाज आ रही है बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी हेलो हाँ जी सर आवाज आ रही है सर हाँ भी आ रही है सबसे पहले तो ये जो यूजर नेम है ना अपना आपका जूम पर इसको एडिट करके अपना नाम यहाँ पर पुट अप कीजिए हमें आपका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पर आपका नंबर दिख रहा है सर कहाँ इसको बाद में कीजिएगा पहले ये बताइए इसमें किस किस जगह पर आकर के कंफ्यूजन हो रही है सर वो आपने आ, बोला कि जी स्कैंडल का लो तोड़ के वो लो बना है उस स्कैंडल को मार्क करना है ना तो सर ये ये रेड वाली कैंडल ने रेड वाली रेड वाली ब्लैक वाली कैंडल है उसका लो जिसने ब्रेक किया है वो कैंडल हमारी इम्पोर्टेंट हुई के वो आएगी बस वही आपने जो प्रश्न लगा उसका लो उसने ब्रेक किया है ना तो वाली ये हुई कि वहां पर जाना पड़ेगा ठीक है क्लोजिंग किस कैंडल ने की है किसकी क्लोजिंग जिस कैंडल ने लो लगाया है उसने किस एक कैंडल की नीचे क्लोजिंग की है ओके बोलिए तीन बज, तीन बजे की कैंडल इसने लो लगाया ना अब आजी, आजी। क्लोजिंग तो यहाँ पर हुई है ना अब बताइए कि इस कैंडल के बाद में आप किस कैंडल के लो को मानोगे कि इसने जो है क्लोजिंग कर दी बोलिए सर वो अगली लेड वाली कैंडल है ये वाली नीचे अभी प्राइस क्रॉस हुआ ना ये वाली कैंडल नहीं इसके बाद वाली उसके बाद ये वाली हाँ जी हाँ इसमें तो कैंडल क्लोज हो गई ना कहा क्लोज हुई ये तो इसके ऊपर क्लोज हुई ना इसके नीचे कहा क्लोज हुई जो भी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना बाहर निकलने दीजिए जहां पर क्लोजिंग किसने दी है लो इसने लगा दिया है और प्राइस तीन बजे की जो कैंडल इसने लो ब्रेक कर दिया है दो पचास का ये पूरा लो ब्रेक कर दिया है लेकिन इसने क्लोजिंग कौन सी कैंडल के नीचे की है किस कैंडल के नीचे क्लोज किया हाँ सर तो वो रेड वाली है दो जी जैसी उसके नीचे भी उसने क्लोज किया है ये वाली कैंडल ठीक है इसको मान लीजिए इसके नीचे क्लोजिंग कर दी जी ठीक है गलत नहीं है सही है यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इस कैंडल को क्यों मार्क किया इसको क्यों माक नहीं किया ठीक है अच्छा अब हम ये मानकर के चलते कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया है कि जो क्लोजिंग का आपका डाउट उठ रहा था अब क्वेश्चन आता है दूसरा कि इस कैंडल को हम क्यों मार्क कर रहे हैं और इस कैंडल को क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं ना चलिए अब आगे से देखते हैं इसको स्विंग हाई एक हाई यहां पर लगा हमारा इसने खाई लगा दी या फिर ऊपर से भी हम नीचे की तरफ जब उतरते चले आते तो यहां से देखिए दस पचपन का लोग इसने ब्रेक किया हाँ जी गार्डन उसने आह ब्रेक किया इसको मार करिए इसके इसके नीचे क्लोजिंग किसने दी नीचे क्लोजिंग तो वो रेड वाली के आह वही वाइ आप बराबर अब देखिए ग्यारह तीस के नीचे क्लोजिंग किसने दी ग्यारह इस इस बारह है ना इसके नीचे क्लोजिंग किसने दी बराबर लेकिन इसके नीचे फिर प्राइस गया ही नहीं तो हम इसको मार्क नहीं करें ओके। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आजी, आजी। अब यहां पर अगर ये, हम ये बोले कि क्लोजिंग अगर हम देख रहे हैं तो इस कैंडल के नीचे तो अगर हम क्लोजिंग देखें तो जो यहाँ पर ये वाली हमारी कैंडल है हाँ। है ना इसके भी तो नीचे प्राइस ने क्लोज किया है हाँ तो हम इसको क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं और इसको क्यों मार्क कर रहे हैं वो फर्स्ट है वो इसलिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर उठता है बराबर समझ रहे जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लोज लगाए गए हमारे वो इस कैंडल के लगे हैं हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम उतरेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है ये मेरी फर्स्ट कैंडल ये वाली कैंडल पीछे से चल के आना है हाँ अब अगर हम पीछे से चलते हुए आएंगे तो ये वाली हमारी कैंडल बन के आएगी बराबर अभी समझ में आया ओके सर ये सारे सपोर्ट्स होंगे प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आ रहा है अब अगर ये ऊपर जाएगा ना तो सेम सपोर्ट्स के ऊपर ही ये आपके सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा ये भी जो हमने मार्क किया है फोर लाइन ट्रेडिंग सिस्टम है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे फोर लाइन के आगे एक सिस्टम आता है जब फोर इंटू टू कर देते हैं वो सारी चीजें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी जो है ना ये जस्ट एक पॉइंट है उसका एक कैंडल से स्टार्ट कर रहे हैं कोई और एक एग्जांपल लेते हैं कुछ नहीं देख करके सिर्फ ये देखिए कि हाई यहां पर कौन सी कैंडल लगा रही है मेरी ये ये तो बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई की यहां पर देखिए अब देखिए कौन सी कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर रही है तो तो ये वाली कैंडल मिलेगी हमको है ना इसके नीचे प्राइस आकर के हमारा आ, क्लोजिंग नहीं दी है क्लोजिंग ऊपर ही चली गई है मतलब अपर, अपर, अपर। ये वाली कैंडल है ना इसके नीचे हमारी ये वाली कैंडल क्लोज हो गई बाकी अब इसके नीचे तीन कैंडल्स हैं लेकिन किसी के किसी को ब्रेक करके क्लोज नहीं किया इसने इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज किया है ना इस कैंडल के नीचे क्लोज किया उसने क्लोज नहीं किया क्लोज इस वाली कैंडल के नीचे किया हम इसको मिलेंगे मतलब कि ये एक सपोर्टिव कैंडल होगी मेरी लो के पास के सपोर्ट्स होंगे मेरे अब जब प्राइस ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं नहीं मालूम ऊपर जाएगा या फिर इसी तरह जैसे प्राइस सपोर्ट ब्रेक कर रहा है ब्रेक कर रहा है ब्रेक करता कर तो वो नीचे की तरफ चलाएगा हमें नहीं मालूम है लेकिन जस्ट करना क्या है ना आप इस कैंडल को मार्क करना और देखना कि नेक्स्ट डे हमारी लो वाली कैंडल कैंडल को जिसको हम मार्क मार्क करें करें या फिर हाइस की जो करें ना ये क्या इफेक्ट डाल रही है मार्केट में क्या ऐसा तो प्राइस यहीं कहीं से टर्न हो रहा है ऊपर या फिर नीचे की तरफ या फिर प्राइस के टर्न होने का कहीं ना कहीं हमें एक कुछ पॉइंट मिल रहा है याद है कल हमने क्या बताया था आपको हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्राइस में एक सिग्निफिकेशन ढूंढने की एक ऐसा लेवल फाइंड करने की जहां से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी मार्केट स्टार्ट होगा हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया खत्म बात अगर ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर हम लोगों को एक पॉइंट अपने फाइंड आउट करने होंगे कुछ एक प्लेसिंग करनी होगी यही उसकी कोशिश है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं होप कि अभी क्लियर हुआ होगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहां पर इसको देखिए ये हाई है मेरा या प्रीवियस डे का लेते हैं ना लेकिन कल पूरी मार्केट हाई और लो के अंदर ही पूरी मार्केट चली गई लूज और ये दो इसने लगाया और ये वाला पॉइंट चलिए इस कैंडल को मार्क कर सकते हैं ये ये हो गया मेरा ये सपोर्ट कैंडल है मेरी इसके नीचे 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 अब ऊपर जाएगी तो यही हमारी रेजिस्टेंस बनेगी सेम रेजिस्टेंस पॉइंट अब प्राइस को अगर ऊपर की तरफ जाना है ना तो इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना होगा देख रहे हैं ये वाली कैंडल तो इतनी सारी कैंडल्स में से एक कैंडल आप कैसे फाइंड आउट करोगे देख लेना है कौन सी कैंडल है जो लो लगा रही है मेरी और कौन सी कैंडल है जो कि हाई लगा रही है और इसके बाद में फिर उस कैंडल ने किस कैंडल का हाई ब्रेक किया फिर किस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया क्लोजिंग कर दी है हमको एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस की अपनी एक कैंडल मिल जाती है जिसको कि हम ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट डे के लिए ये सिर्फ एक दिन नहीं करना है आप लगातार पांच दिन तक ये काम करोगे दिन में हो सके तो आप पंद्रह बीस पच्चीस तीस जितने भी हो सके आप चार्ट देखना कोई लिमिटेशन नहीं इसकी जितने आप देख सको उतने चार्ट देखना क्योंकि जितनी ज्यादा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपकी हेल्प कर डालेगी आप देख लेना जितनी भी मार्किंग आप करोगे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर के जो मोमेंटम्स हैं आपको इस एक कैंडल के पास से शो करेगी मार्केट अब यहां पर देखिए हाई कौन सी कैंडल ने लगाया है इस कैंडल में मेरे लिए इसके पहले की ये कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब सेम लेवल मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा प्राइस अगर इसके नीचे आता है तो हम देखते हैं कि प्राइस अगर हमारी इस कैंडल के अंदर आकर के ट्रेड करने लगता है तो मोमेंटम हमें किस तरह के मिलते हैं आप सिर्फ इतना सा काम करना खूब सारे चार्ट्स देखो और खूब सारे चार्ट्स देख करके उसकी प्रैक्टिस करो क्या होता है इसके ऊपर जितने भी आप चार्ट प्रैक्टिस करोगे ना स्क्रीन ले लेना आप सभी तो नहीं अब ऐसे मान के चलिए कि आप बीस देखें तो तो हंड्रेड चार्ट्स हो गए अपने पास तो हजारों चार्ट्स हो जाएंगे मेरे पास अगर आप लोग शेयर करोगे आप लोग सिर्फ पांच चार्ट शेयर करना हमें या वो चार्ट शेयर करना है जिसके ऊपर आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा हमको डाउट हो रहा है अगर मार्किंग करें तो कौन सी मार्किंग करें अदरवाइज एक दिन में आप लोग पांच चार्ट लोगे और सेवन डेज हो जाएंगे यानी थर्टी फाइव चार्ट हमें एक लोगों से चाहिए टेलीग्राम का नंबर सभी लोगों के पास है मेरा टेलीग्राम के ऊपर 35 चार्ट्स हमें शेयर कर देना आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले और ड्यूरिंग दिस वीक वो चार्ट्स आप शेयर करना जिस चार्ट के ऊपर लगे कि आपको डाउट है समझ में आ रहा है ये आपका पूरा होमवर्क रहेगा पूरे वीक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना ही कोई बहुत तो हेवी ये काम है आपका अनिकेत जी वही नंबर जो आपके पास है ना मेरा वाला नंबर सेम नंबर ही टेलीग्राम का एक ही नंबर है वही व्हाट्सएप का भी है वही टेलीग्राम का भी है जी 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 ओके चलिए साजन मैकन हेलो जी साजन सर बोलिए सर जो हमने मार्किंग करनी है ये पहले हमने हाई देखना है हाई के बाद जो पहली रेड बने और जो उस रेड का लो क्लोज करे रेड के मतलब कि लो को लो में क्लोज करे उस कैंडल को मार्किंग करनी है हमें रेड और ग्रीन से मतलब ही नहीं है हां जी यहां पर देखिए जो कैंडल हमारी लो लगा रही है रेड है या ग्रीन है ये तो सब ये तो ग्रीन कैंडल है ग्रीन कैंडल है ग्रीन तो जरूरी थोड़ी ना जो कैंडल लो लगाएगी वो रेड कैंडल ही होगी हम बस ये देख रहे हैं कि लो कौन सी कैंडल लगा रही है और वो किस कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोज हो रही है कौन सी कैंडल मेरा हाई लगा रही है किस कैंडल ने हाई लगाया ये ऊपर हाँ इसने लगाया ठीक है अब किस कैंडल को ब्रेक करके इसने हाई लगाया ये इसने सेकंड लास्ट को बस ये कैंडल बस यही कैंडल मेरी बन जाएगी ठीक है इस एक कैंडल को ही लेकर के हम चलेंगे जितने भी चार्ट आप देखोगे ना यही मार्किंग करोगे और ऑब्जर्व क्या करना है आप लोगों को आपको सिर्फ इतना देखना है ये जो मार्किंग अभी हमने करना आपको सिखाया आप इस मार्किंग की सबसे पहली तो आपका काम होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे मार्क करने की क्योंकि एक और दो बार सी जब चार्ट के ऊपर आप जाओगे ना मार्क करने तो कंफ्यूजन होंगे काफी सारे

प्राइस यहां पर आ रहा है तो अगर अपने रेजिस्टेंस पर है प्राइस प्राइस ने एक रेजिस्टेंस यहां पर लगाया और रेजिस्टेंस की लेवल के अंदर आकर के प्राइस अगर ट्रेड कर रहा है तो डाउन साइड के मोमेंटम्स हो रहे हैं और या फिर अगर ब्रेकआउट कर दे रहा तो किस तरह के मोमेंटम्स आपको दिख रहे हैं तो कुल मिलाकर के इस लेवल के पास में जब प्राइस होगा तो उसके अंदर की एक्टिविटी आप जस्ट देखना तो इसलिए कि जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो आपको मालूम हो कि इस लेवल के पास में प्राइस की मोमेंटम्स किस तरह की हो सकती हैं ताकि ऐसा ना लगे कि जब आपसे ट्रेड करने के लिए बोले तो आपको लेवल के पास के पास प्राइस की एक्टिविटी का कुछ भी अंदाजा ना हो नारी। बाकी नारी। सब तो फिर मार्केट के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं, तो जस्ट लेवल के पास में प्राइस के ऑब्जर्वेशन इतना सा काम आपको करना नहीं हाई और क्लोज ने आप जी बोलिए आप बोलिए सर जैसे अब इसमें रेड कैंडल करनी है ठीक है जी ये तो ग्रीन होगी आपकी अब ग्रीन की मार्किंग हमने कर ली अब रेड है तो हम इसकी मार्किंग करेंगे इसकी मार्किंग करेंगे फोर्थ वाली की यही मार्किंग होगी ना सर फिर से बोलिए सर ये जो हमने ग्रीन का ये अब जैसे ये ग्रीन के साथ ये रेड बनी इसके साथ ही ये रेड बन गई जी उसका फिर रेड बनी फिर ये इसने शूटिंग स्टार बनाया फिर ये रेड जो चौथी कैंडल क्लोज हुई है ये वाली, ये वाली, वाली वाली तो सर इस, इसे हम मार्क करेंगे या इसके नीचे वाली मार्क करेंगे ओ, 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 ओ। फिर से क्वेश्चन सर अब जैसे ना ये रेड फर्स्ट बनी थी फर्स्ट रेड बनी इसके बाद बनी फिर रेड सेकंड इसी के अंदर क्लोजिंग दी ठीक है जी इस कैंडल के, के नीचे क्लोजिंग दे दी हाँ जी स्कैंडल ने दी हाँ जी इसी कैंडल ने इसे हम मार्क करेंगे जी बस अब इसके बाद किसने क्लोजिंग दी अब नीचे वाली ने जी इसके बाद किसने क्लोजिंग दी इस नीचे वाली ने जी ये पूरा एक आपका कह सकते हैं कि स्टेप्स बनेंगे हाँ जी ये स्टेप्स होंगे तो सारा जब आप कर लोगे तो, तो बहुत हौच पौच हो जाएगा इतना नहीं करना है सिर्फ एक कैंडल प्राइस अगर ऊपर की तरफ है हाई हाँ हाँ अगर मार्क करो प्रीवियस डे हाँ का तो उस हाई के बजाय हाँ। मार्क कर लो कि किस कैंडल को ब्रेक करके उसने हाई लगाया है वो कैंडल बस मार्क कर लो ठीक है जी और डाउन साइड अपनी यही बनेगी ना चौथी कैंडल हाँ डाउन साइड की तरफ यही वाली कैंडल बनेगी फोर्थ वाली इससे ऊपर इससे ऊपर हाँ जी ये वाली ये वाली हाँ, exactly, ये वाली ठीक है ठीक है आई होप जो भी पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं सभी लोगों को क्लियर हुए होंगे प्रैक्टिस करिए इसकी कोई डाउट होता है तो चार्ट समय शेयर कर दीजिएगा आप उसको क्लियर कर देंगे बाकी अमित अमित माइक कम्यूट कीजिए अपना अमित जी आवाज नहीं आ रही आपकी जी अमित जी कॉल कर लीजिएगा क्लास खत्म हो जाने के बाद में कॉल कर लीजिएगा आपकी तरफ नेटवर्क नेटवर्क के, के इश्यू है ओके तो क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं हम और नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर थैंक्स सभी लोगों को गुड नाइट कुछ अगर डाउट्स होता है तो व्हाट्सएप पर आप हमको मैसेज कर दीजिएगा